हेलो अस्सलाम वालेकुम. न्यू वीक न्यू वीडियो. आज जो है वो है मिड वीक वेंसडे और मैं और तलहा काम से आ गए थे तकरीबन. तलहा जल्दी आ गया था एंड आके सो गया ताकि वो भी उठ के पढ़ रहा है. मैं आई थी 6 बजे बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हैं कि आजकल तूफान आया हुआ है कोई एंड बहुत 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 तेज़ बारिश हो रही थी आज एंड इट टुक मी अबाउट एन आवर टू गेट टू वर्क और कम अज़ कम घंटा डेढ़ घंटा वापस आने में लगाए. तो वापस आ गई थी मैं तकरीबन कोई 1 घंटा पहले. आते ही मैंने कीमा नहीं फास्ट किया है. घर पूरा साफ था बिकॉज आज क्लीनिंग डे था हमारा, तो सफाई इतनी नहीं करनी पड़ी. आज जो है वो है हमारी मिड वीक डेट नाइट. तो मिड वीक डेट नाइट में मैं बना रही हूँ फेवरेट जो है वो तलहा का पास्ता. और मैं बहुत ही शॉर्ट करके रेसिपी भी शेयर कर लूँगी सबके साथ बिकॉज एवरीवन कीप्स आस्किंग अबाउट दिस पास्ता रेसिपी. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं पूरे हफ्ते खाने के लिए बना रही हूँ आलू कीमा और ये मैं पास्ता बॉईल कर रही हूँ छोटे से पतीले में. और बाकी जो है वो चीज़ें ये हैं, ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट वाटर है, ये आलू मैं भी ये छीली काटूँगी, बेबी स्पिनच जाएगी पास्ता में, बाकी मशरूम जाएंगे पास्ता में. तो मैं ऑलमोस्ट मैं साथ साथ पका रही हूँ दोनों चीज़ें और साथ साथ प्रेप भी कर रही हूँ मैं. बाय द वे खाना पकाते हुए मैं पॉट्स को ऐसे यूटिलाइज़ करती हूँ कि एक चीज़ बना के फ़ौरन उसमें एक चीज़ में आके फ़ौरन डाल के डब्बे में फिर पतीले को बिल्कुल पानी से धो के जल्दी से मैं दूसरा यूज़ कर लेती हूँ. तो जैसे कीमा बनेगा तब मेरी टाइम मैनेजमेंट टिप दे रही हूँ मैं. जब कीमा बन जाएगा बिकॉज इस चिकन कीमा से इसमें गए टेक वेरी लॉन्ग. जब कीमा बन जाएगा तब मैं तब तक मैं मशरूम्स काटूंगी, स्ट्रॉबेरीज काटूंगी, धनिया काटूंगी, आलू छीलूंगी काटूंगी. तब तक वो सब कुछ होके फिर मैं इसमें डालूंगी, नेक्स्ट चीज़ के लिए रेडी हो जाऊंगी. तो पास्ता की रेसिपी शेयर करूंगी मैं एंड देन ऑफ कोर्स फ्यू मोर अपडेट्स फ्रॉम दिस वीक एज इट गोज. होप एवरीवन इज हैविंग अ ग्रेट वीक. और मिड वीक हमारी डेट नाइट का ये है बिकॉज हम लोग थोड़े से लाइक यू नो काम में बहुत बिजी होते हैं. वी बेयरली गेट टाइम कि हमें बैठ के सुकून से बैठे, थके हुए इतने होते, तलहा पड़ अलग रहा होता है. तो आज क्योंकि पूरा घर साफ था, हम कचरा मैंने कल रात को कर लिया था, थोड़ा बहुत रोज तरह हमें करते रहते हैं, तो आज वी हैड टाइम. तो मैंने कल प्लान किया था, मैंने कहा था आज डिनर कुछ स्पेशल करेंगे हम लोग. और डाइनिंग रूम साफ हो रहा है आज, तो डाइनिंग टेबल पे हम लोग खाना खाएंगे. तो व्हाई नॉट जस्ट डू लाइक अ मिड वीक डेट नाइट. तो आज हमारी मिड वीक डेट नाइट है, हम पास्ता खाएंगे एंड बस. वीकेंड में तो वैसे ही कुछ ना कुछ होता रहता है, तो दिस इज़ लाइक थोड़ा बहुत ताकि समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन द मिडल ऑफ द वीक और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. लेकिन इट्स जस्ट अ नाइस थिंग टू डू कि आप थोड़ा सा अपनी बिजी से टाइम निकाल के थोड़ा सा सुकून करते हैं, चिल करते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज ऑब्वियसली टाइम इज टाइट. थकन अलग है, बिजी अलग है. सो पास्ता रेसिपी करेंगे. अच्छा जी, कीमा इज डन. तब तक में मैंने बाकी चीज़ें प्रेप कर दी हैं, स्पिनच, मशरूम्स, बाकी चीज़ें ये भी कटेंगे. और मैंने सारी चीज़ ग्रेट करके रख दिया इसके अंदर. नेक्स्ट स्टेप. अच्छा जी, स्टेप 1 बटर लेना है तकरीबन कोई लेट्स जस्ट से 4 टेबलस्पून्स. उसको मेल्ट करना है, फिर उसमें प्याज जाएंगे. आई यूज़ डाइस्ड फ्रोजन अनियंस, तो वो डालूंगी. ये डाल के आई एम गोना कुक देम फॉर अबाउट 3 to 4 मिनट्स. और तब तक साथ साथ लाइक आई सेड आई हैव द मशरूम्स कट, ये थोड़ी सी पारमेजान ग्राना पडाना व्हाटएवर इट इज़, पारमेजान और ग्राना पडाना व्हाटएवर, क्रीम चीज़ बिकॉज आई डोंट हैव क्रीम. और बाकी कल की लंच की तैयारी है एंड दिस इज़ द कीमा. ये कीमा है जो बहुत ही मज़े का बना है, मैंने चखा भी एंड थोड़ा सा मैंने लंच बॉक्स में डाला है. और एक ही चूल्हे पे आई एम डूइंग टू थिंग्स, सो लंच एंड डिनर टुगेदर. अच्छा जी, तो इन द बटर डाइस अनियंस लाइटली गोल्डन ब्राउन एंड देन मशरूम्स एंड नाउ वी आर गोना ऐड द सीजनिंग. फॉर सीजनिंग आई पुट अबाउट 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ऑफ पार्सली एंड 1 टीस्पून ऑफ गार्लिक. नमक मैंने डाल दी भी बिकॉज आई एम गोना पुट चीज लेटर व्हिच हैज व्हिच इज लाइक सॉल्टी एंड देन आई एम गोना पुट चिकन स्टॉक राइट नाउ व्हिच इज आल्सो सॉल्टी. दोनों चीज़ें डालने के बाद में टेस्ट देखूंगी, अगर नमक सही हो फिर आई विल ऐड लाइक अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, लेकिन तब तक आई एम नॉट गोना ऐड एनी सॉल्ट. ओके, आई हैव 1 stock cube इन अबाउट 3/4 cups ऑफ वाटर. और ये लंच बॉक्स की तैयारी हो गई है. ये आलू कीमा है, इसके ऊपर इसका ढक्कन जाता है like that.
इसके ऊपर रोटी। ये लंच बॉक्स बहुत अच्छा है, गॉट दिस फ्रॉम टीमो, आई रियली लाइक इट। इसके ऊपर डिज़र्ट में थोड़ी सी खुबानियाँ एंड देन लीमू टू गो विद द कीमा, और फिर ढक्कन इसका, दैट इज़ ऑल सेट। साथ में कॉफ़ी बना रही हूँ मैं सुबह के लिए, एंड देन दिस इज़ द लास्ट इंग्रेडिएंट। मशरूम्स मैंने थोड़ी देर के लिए उतारे हैं बिकॉज जल ना जाए, और ये मेरा लंच है छोटा सा, साथ में मैं लेके जाऊँगी पैकेट वाले चावल। अच्छा जी, चिकन स्टॉक इन, नेक्स्ट वी आर गोना ऐड द क्रीम चीज़ एंड चिकन मैंने मैरिनेट करी थी बिकॉज द वे आई लाइक मेकिंग पास्ता, इसके मैं चिकन अलग से बनाती हूँ एंड जस्ट एयर फ्राइड, फिर मैं ग्रिल करके, मतलब एयर फ्राई करके उसको स्लाइसेस में काट के फिर पास्ता के ऊपर रखती हूँ, जैसे लुक्स फैंसियर दैट वे, एंड इफ समवन वांट्स वेजिटेरियन पास्ता दे कैन जस्ट हैव दैट एज वेल। तो ये टू ब्रेस्ट ऑफ चिकन दैट आई मैरिनेटेड इन ओल्ड बे सीजनिंग, एलडी की चिकन एंड स्टेक सीजनिंग, और जस्ट लिटिल बिट ऑफ गार्लिक एंड चिली ऑयल, इसको मैं डाल रही हूँ एयर फ्राई में फॉर अबाउट 15 मिनट्स ऑन 180 बोथ साइड्स। अच्छा जी, देन आई एडेड द होल ब्लॉक ऑफ क्रीम चीज, आई एम गोना मिक्स दिस सो इट बिकम्स नाइस एंड वेल कम्बाइंड, एंड फिर हम इसमें डालेंगे स्पिनच एंड पास्ता। मीनवाइल चिकन इन द एयर फ्रायर एंड एवरीथिंग एल्स हियर इज डन, एंड द स्पिनच गोज इन लास्ट, और बस पर थोड़ी सी सफाई होगी, वाइप द काउंटर, गेट द कॉफी रेडी एंड डन। अच्छा जी, As you can see, it's all nice, thick and combined. I added just a pinch of red chili just to give it a kick. Aur isme namak ki aur zarurat nahi hai because it's perfectly salty because of the cream cheese and the chicken stock. So I'm not going to be adding any more salt. I will just add like a little bit of cheese that I've grated. Ye jayegi iske andar, and then spinach, pasta aur thoda sa pasta water. Just to make sure it's all nice and well combined. तो इसमें मैंने आटा बिल्कुल भी नहीं डाला है, देर इज़ एब्सोल्युटली नो फ्लावर इन द सॉस, इट वॉज जस्ट टेकन बाय द स्टॉक एंड द क्रीम चीज़ आई थिंक, सो या इसमें आपको आटा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, टू टेबल स्पून ऑफ एक्स्ट्रा मैच्योर चेडर, अनलाइक मोस्ट ऑफ पीपल आई नो, स्पिनच, बेबी स्पिनच लीव्स कट अप हल्के से, बाकी वी हैव दिस पास्ता जो मैंने पकाया था, टू मेक श्योर इट्स al dente. What you have to do is, जब पास्ता आपका बॉयल हो जाए आपने क्या करना है कि उसको ठंडे पानी में डालना है, जस्ट स्टॉप द कुकिंग प्रोसेस। सो आई एम गोना पुट द कैमरा डाउन, आई एम गोना मिक्स ऑल दिस टुगेदर, कुक इट फॉर 1 मिनट एंड देन इट्स रेडी। अच्छा जी, पास्ता डन, दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक। पास्ता की जो चिकन है दैट इज ऑल्सो डन, ये बस कट के उसके ऊपर आएगी, आई मेड श्योर इट्स नाइस एंड जूसी इन द मिडल, एंड देन दिस इज ऑल वाइप्ड एंड डन जस्ट इन टाइम। दो तीन बर्तन वो मैं कल धो लूँगी, आई एम वेटिंग फॉर दिस टू कूल डाउन सो आई कैन पुट इट इन द फ्रिज, दैट्स द लंच बॉक्स, कॉफी इज इन द फ्रिज, और ये अभी का स्नैक है हमारा स्ट्रॉबेरीज एंड नटेला। और डाइनिंग रूम भी बहुत अरसे बाद साफ हुआ है बेसिकली, बट समथिंग लाइक दिस, तो हम लोग यहाँ पे खाना खाएंगे आज। ये है एंड प्रोडक्ट, पास्ता विथ ग्रिल चिकन, चिकन जो है बीच में से पिंक नहीं है, इट्स कम्प्लीटली कुक बट स्टिल जूसी एंड वेरी नाइस। तब हमारा बलियाज करने लगा है, ये हमने फॉयल्स काटी हैं, ये थोड़े से स्नैक्स हैं मेरे, दिस इज़ अ हैंड टॉवल जिसे साफ करेंगे, और बाकी ये सारे डाई है, ग्लव्स, एक ये कलर है और दूसरा ये कलर है, ये जो है ये बालों के बीच में जाएगा, और ये सॉरी ये बीच में जाएगा, ये वाला डब्बे वाला, और ये एंड्स में जाएगा, और ये तैयारी हो रही है, द आर्ट एंड द आर्टिस्ट इन इट, आर्ट देखते हैं कैसी होती है, देखते हैं। और बताओ कि सेक्शनिंग वेक्शनिंग हो गई है, सेक्शनिंग वेक्शनिंग हो गई है, और बिफोर आफ्टर दिखाएंगे ना, पहले तो सेक्शनिंग हो गई है लेकिन मेरे बाल पहले देखे हुए थे ब्राउन ऑरेंज अजीब से हो रहे हैं, मेरा हेयर कट भी बाय द वे बहुत बुरा है, मुझे ठीक कराना है अभी, तो अभी आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाएंगे। ओके लेट्स स्टार्ट, हमारा काम शुरू हो गया है और मैं मज़े से, ये मेरा बलियाज हो रहा है तलहा सलोन में, और मैं मोगो मोगो पी रही हूँ और लव इज़ ब्लाइंड देख रही हूँ, ए प्लस कस्टमर सर्विस। ये डाई है, ये ऐसे गया बस फर्श बनाए, वेरी नाइस एक्सेलेंट,
फोन पकड़ाऊँ? हाँ कोई टेंशन में लग रहा है मुझे हेयर स्टाइलिस्ट। क्या लग रहा है? टेंशन में यार, पहले कभी किया नहीं है ये काम। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग इन एंड। और वो हमारी बिल्लियाँ हैं जो बहुत मस्ती कर रही हैं, कुछ अगर किया नहीं तो फिर मोर बेबी सोन। अब पूरा बलाज दिखाएंगे, एंड प्रोडक्ट दिखाएंगे, ताकि बीच में भी थोड़ा सा और दिखाते रहेंगे, लेकिन आई हैव फुल फेथ इन तलहा कि दिस इज़ गोइंग टू टर्न आउट अमेजिंग इंशाल्लाह। फिनिशिंग टचेस, लाइट नहीं आ रही सही से यहाँ पे, एक बार देख लो ताकि फिर मैं उतार दूँ। ये जो भी हुआ है ना, कुछ बहुत ही अच्छा हुआ है मुझे लग रहा है। लेट्स फाइंड आउट। लाइट में दिखाते हैं, तो ये बेसिकली बलियाज हो गया है। और क्योंकि टूवर्ड्स दी एंड जाके तलहा को मैंने बोला था कि जो दाएँ बचा हुआ है वो बाकी बालों में भी लगा दो, सो लेट्स सी एंड रिजल्ट क्या होता है, वॉश करके ब्लो ड्राई करके फिर दिखाते हैं इन्हें। रुक जाओ बस एक सेकंड। ये कोशिश हुई थी थोड़े फॉइल बनाने की, फॉइल थोड़े रफ से बने हैं बट इस तरह नीचे पार्टिंग करके बनाई थी। टोनी एंड गाय, टोनी एंड गाय, और ऊपर जो है थोड़ा सा बचा हुआ कलर लगा दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था जिस तरह इसने पार्ट करके दिए हैं उसमें ऊपर की कवरेज नहीं आ रही। अच्छा जी, ये फाइनल लुक है और ये सैंडविचेस खाए जा रहे हैं, बट ये है फाइनल लुक। आप ऐसे करो। अच्छा, अब रुक जाओ, लाइट से आ रही है। तुम बस करो, तुम नहीं खेलो। इधर देखो, आर्टिस्ट के बगैर नहीं। तो ये मेरे बाल हैं विच लुक अमेजिंग एंड देर सो नाइस एंड ब्लेंडेड। और अभी जो है बिकॉज पहले मेरा थोड़ा सा ब्लॉन्ड पहले का हुआ हुआ था, तो थोड़ा सा ब्रास जो आ रहा है ऊपर ऊपर से, जो अलग अलग से कॉपर शेड जो आ रहा है, बेसिकली जो ऑरेंज टोन अंडरटोन आ रहा है एक, वो जो है वो दो तीन दफ़ा टोने होगी पर्पल शैम्पू से पिछला जाएगा, बट यू कैन सी कि कैसे प्रोफेशनली ब्लेंडिंग हुई हुई है। मतलब कोई गुंजाइश नहीं है गलती की, एवरीवेयर इट्स जस्ट अमेजिंग, नाइसली ब्लेंडेड एंड आई वुड रिकमेंड 10 out of 10 दीज सर्विसेज। आई वॉज वॉचिंग नेटफ्लिक्स, आई वॉज ईटिंग गोल घूमो, मतलब तो मैं हाथ में पकड़ के कैसे करूँ? ओके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे इस साइड से भी, बस अपना हाथ नहीं जा रहा मेरा, बस मैं थक गई हूँ। मैं बना लेता हूँ। ये है, आई कैन पार्ट माई हेयर हियर और हियर, थोड़ी सी कंडीशनर और टोनिंग की जरूरत है, लेकिन दिस इज जस्ट एन आइडिया फॉर द कलर दैट इट इज अमेजिंग इन। फीफी